शहीद स्मारक पर अध्यापक भर्ती में पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए आज हजारों की संख्या में बेरोजगार साथ इकट्ठा हुए। बेरोजगारों की एक मांग है अध्यापक भर्ती में दो पदों की संख्या 48,000 से बढ़ाकर 60,000 करने की, क्योंकि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 के बाद से आई है जिसमें बीएड वाले साथी तो लगातार 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की बढ़ती संख्या और 5 साल से लगातार एक ही भर्ती चल रही है। शाला दर्पण पर अध्यापक भर्ती के पद रिक्त भी चल रहे हैं। इसके अलावा लेवल 2 के 6,000 पदों में पहले कमी की गई थी, उन्हें मात्र 1500 पदों की बढ़ोतरी की गई है। अगर राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था मजबूत करनी है और बेरोजगारों को राहत प्रदान करनी है, अध्यापक भर्ती में 5 साल से लगातार तैयार कर रहे छात्रों को राहत प्रदान करते हुए पदों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। उपरोक्त विषय में श्रीमान जी से निवेदन है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत LHV महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की निम्न को त्वरित पूरा करने के लिए एसोसिएशन आपसे निवेदन करता है। विभाग द्वारा हाल ही में जारी नर्स श्रेणी द्वितीय की भर्ती में GNM प्रशिक्षण प्राप्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मंत्रालयिक कर्मचारियों की तरह इन सर्विस कोटा प्रदान किया जाए। जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी डिस्पेंसरी केंद्रों पर LHV महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का पद समाप्त किया जा रहा है, जिन्हें पुनः बहाल करते हुए LHV महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पदस्थापन किया जाए। प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक के अंदर, प्रत्येक तहसील के अंदर, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारा किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं किया। हम जी जान से रात दिन एक कर रखा है। हमारी सिर्फ 3 ही मांगे हैं जो लगाया सरकार ने अभी तक नहीं सुनी है, और सुनना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर आकर हमें किसी प्रकार का एक सहानुभूति देते हैं, वो भी नहीं दिया। हमें बड़ा खेद हो रहा है इस बात का कि सरकार हमारे तक क्यों ध्यान नहीं दे रही। हमने कोरोना काल में इतना अच्छा काम किया था, रात दिन हमने एक कर दिया था, लेकिन सरकार को किसी प्रकार की कोई हमदर्दी नहीं है। अब हम कल से और हमारा विकराल रूप धारण होगा, जो जंडाली रूप धारण किया जाता है वो होगा, क्योंकि हम सहानुभूति देख चुके हैं सरकार की। हम यही चाहते थे कि सरकार हमारे प्रति सहानुभूति दिखाए और हम भी शांति गांधीवादी तरीके से अपना काम करें, लेकिन सरकार अभी तक किसी प्रकार का कुछ नहीं है। तो आप क्या अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं या कुछ और करने का है आपका? हम अनिश्चितकालीन ही धरना दे रहे हैं। 1 तारीख से हड़ताल पर बैठे हुए राजस्थान राज्य जो LHV यानी संगम संघर्ष समिति के द्वारा हमारा यहाँ पे पड़ाव पड़ा हुआ है, और हमारी दूसरी जो ANM बहने हैं उनका अलग संघ है, वो भी हमारे सब एक साथ ही, हमें एक छत के नीचे एक ही मांग हम सब अलग अलग हमारे नहीं है। और हमारे ANM से लेके ANM के जो खत्म हो जाते हैं, हमें पदोन्नति चाहिए राज्य सरकार से, और हम 6 सालों से बहुत संघर्ष कर चुके हैं। अब हमारा संघर्ष जारी रहेगा, अब हमारा संघर्ष खत्म होगा और हमारी उम्र में बढ़ाई जाए, पदोन्नति की जाए, पद नाम परिवर्तन है। हमारी एक मान सम्मान के लिए महिलाओं के लिए बहुत जरूरी चीज है। क्या आपको आश्वासन मिला अभी किसी की मंत्री की तरफ से? आश्वासन नहीं मिला है हमारे को राज्य सरकार की तरफ से। हमने हमारी बहनों को बहुत रोका, लेकिन कोई नहीं रुक रही है। अब सब यहाँ वहाँ पड़ाव करेंगी, जो भी हो देखा जाए। अब अनिश्चितकालीन मेरा नाम संघर्ष समिति अध्यक्ष जयपुर अनिता मेहरा।